हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका। क्या है नहीं पता है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या है इसमें। तो ये है वो ईयरफोन, एंड चलते इसे अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या क्या आप लोग को देखने मिलता है। तो ये है अमेज़न की तरफ से आया हुआ पैकेजिंग, एंड चलिए इसे कट करते हैं एंड देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि यहाँ से कोई कट वगैरह नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और आप लोग को ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो आप लोग को एक वीडियो बना लेना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्पज़ होता है। क्योंकि अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ निकला तो मतलब कुछ गलत सामान आ गया आप लोग के पास, तो मतलब उससे आप लोग को रिटर्न में आप लोग काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बिल है एंड बिल में रखता हूँ बाजू में। सबसे पहले मैं आप लोग को बिल का रेट दिखा देता हूँ कि इससे मुझे कितने का पड़ा है। ये 849 रुपीज़ का है एंड इसे करते हैं अनबॉक्स। एंड इसका मैंने काफ़ी सारा रिव्यूज़ देखा था कि मतलब कि ये इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टेंजेंट बीट है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्विस्ट एंड फ्लैक्स। यहाँ पे काफ़ी सारे इसके जो है स्पेसिफिकेशन है, आप लोग चाहो तो यहाँ से रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्राइस मेंशन है आप लोग देख सकते हो 2500 के समथिंग है। एंड चलते इसे अनबॉक्स करते हैं, एंड ये 849 का है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन से लेते हो तो हो सकता है आप लोग को ये महंगा मिल जाए, क्योंकि ऑफलाइन में मतलब जो MRP रहता है वही आप लोग को देखने मिलता है। तो चलते इसे अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या क्या आप लोग को देखने मिलता है। लेकिन जो इसकी पैकेजिंग है, मैं आप लोग को बता दूँ, इसकी पैकेजिंग आप लोग को उतना अच्छा नहीं देखने मिलेगा, काफ़ी इसमें चीप पैकेजिंग देखने मिलती है। थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता था इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन 849 का। अब ईयरफोन पे देखते हैं ईयरफोन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वो ईयरफोन मिलता है एंड ये ग्रीन कलर का है। एंड इसके बॉक्स में और देख लेते, और कुछ तो है नहीं, तो आप लोग देख सकते हो इसका बॉक्स एम्प्टी हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको जो देखते हैं इसमें क्या क्या आप लोग को देखने मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ईयरफोन मिलता है, तो ईयरफोन का भी रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे आप लोग को देखने मिलता है इसके कुछ ईयरबड्स, एंड ये आप लोग देख सकते हो उतनी खास इसमें पैकेजिंग नहीं देखने मिलती है। लेकिन अपने को पैकेजिंग से नहीं, अपने को तो मेन चीज़ ईयरफोन का क्वालिटी कैसा है एंड उसका साउंड क्वालिटी कैसा है, वही उसमें आप लोग को देखने मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने मिलता है जो कि हम पढ़ने नहीं वाले हैं। एंड यहाँ पे एक वारंटी कार्ड देखने मिलता है, तो यहाँ पे इसको रखते हैं बाजू में। एंड यहाँ पे एक माइक्रो USB का आप लोग को केबल देखने मिलता है, शॉर्ट केबल है। एंड यहाँ पे कुछ आप लोग को 4 ईयरबड्स देखने मिलता है, ईयर टिप्स इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 4 ईयर टिप्स देखने मिलता है, एंड इसको भी रखते हैं साइड में। एंड मेन चीज़ आता है हमारा जो ईयरफोन, तो यहाँ पे आप लोग ईयरफोन देख सकते हो। इसकी पैकेजिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितना इसके होना चाहिए था। एंड चलो तो फिर देखते हैं इसको, इसको निकालने में तो बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब अच्छे से थोड़ा और पैकेजिंग करके दिया जा सकता था। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं रिमूव, एंड यहाँ आप लोग देख सकते हो इसकी क्वालिटी, मुझे जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। मतलब ठीक ठाक है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन और इसका जो ये है जो रबरिश फिनिश है इसमें काफ़ी अच्छा है। इसको आप लोग चाहो तो कैसे भी इसको मोड़ सकते हो। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो है चार्जिंग का पॉइंट देखने मिलता है यहाँ पे, और इसका चार्जिंग का पॉइंट मतलब काफ़ी वो है, मतलब कि एकदम लेवल में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसको रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एंड आप लोग देख सकते हो। एंड ये IPX4 वाटर रेजिस्टेंस है, एंड इसका मैंने आप लोग को नाम नहीं बताया इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है टेंजेंट बीट, आप लोग देख सकते हो टेंजेंट बीट इसका नाम है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बटन्स देखने मिलते हैं, एंड ऑन ऑफ बटन, एंड यहाँ पे आप लोग को वॉल्यूम अप एंड डाउन का यहाँ पे आप लोग को की देखने मिलता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसके कीज देखने मिलते हैं। एंड मेन चीज़ इसका जो केबल क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है इसका क्वालिटी। खाली मुझे इसका जो ये आप लोग को प्लास्टिक क्वालिटी है वो उतना खास नहीं देखने मिलता है। एंड मेन बात आया कि इसका ईयरफोन्स, तो इसका ईयरफोन से जो आप लोग बोट्स का आप लोग एक ईयरफोन आता होगा, मैं आप लोग को स्क्रीन पर डाल देता हूँ, उसका सेम वैसे ही है। एंड ये मेटल फिनिश है, आप लोग को यहाँ पे साउंड आप लोग को सुना देता हूँ, आप लोग देख सकते हो मेटल फिनिश है एंड काफ़ी अच्छा इसका फिनिशिंग है। एंड आप लोग देख सकते हो लेफ्ट राइट का यहाँ पे आप लोग को साइन देखने मिलता है। तो चलते इसे कनेक्ट करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या है। तो ये रहा हमारा फ़ोन, एंड इसे करते हैं हम अनलॉक, एंड यहाँ पे जाते हैं हम लोग अपने ब्लूटूथ में एंड इसे ओपन करते हैं। एंड इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ 5.1 या 5.0 आप लोगों को देखने मिलता है।
तो अच्छी बात है इसमें आप लोग को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने मिलता है। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो है ब्लू लाइट ब्लिंक करने लगा है एंड ये कनेक्टिंग का जो लाइट है वो ब्लिंक होना चालू हो चुका है एंड यहाँ पे मेरा जो है डिवाइस सर्च कर रहा है। तो देखते हैं इसमें आता है कि नहीं डिवाइस। तो यहाँ से मैं स्कैन पे क्लिक करता हूँ एंड स्कैन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो काफ़ी फास्ट तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीट्रॉन टेंजेंट बीट एंड इसमें आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं पैर करता हूँ एंड पैर करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है कनेक्टिंग दिखा रहा है एंड ये ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है। तो इसे हम रखते हैं साइड में एंड इसकी मैं क्वालिटी आप लोग को सबसे पहले इसकी क्वालिटी सुना दूँ, इसकी क्वालिटी कैसे आती है। तो सबसे पहले जाते हैं हम अपने इसमें, तो मैं अभी आप लोग को इसका वॉइस क्वालिटी सुनाने वाला हूँ कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा म्यूज़िक है वो ऑलमोस्ट 100% है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मतलब जो म्यूज़िक का वॉल्यूम है, और मैं इसे प्ले करता हूँ एंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसमें कैसा क्वालिटी आ रहा है। तो आप लोगों ने वॉइस क्वालिटी सुन लिया होगा, तो आप लोग बता सकते हो कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है एंड अभी इसका कॉलिंग क्वालिटी, मतलब कि इसका जो माइक से मैं इसका जो माइक है उससे मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ एंड उसका वॉइस क्वालिटी अभी आप लोग सुन सकते हो। कॉल से मैं जो है अपना वॉइस क्वालिटी अभी दिखाऊँगा कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो सेम इसमें जो है पीट्रॉन टेंजेंट बीट है एंड इसका मैं वॉइस क्वालिटी आप लोग को सुनाता हूँ इसका वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे अभी देख लो आप लोग कॉल चल रहा है एंड यहाँ पे मैं अभी इससे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसका जो है क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स अभी जो वॉइस क्वालिटी मतलब जो कॉलिंग क्वालिटी आ रही है वो आप लोग को पीट्रॉन के टेंजेंट बीट से आप लोग को देखने मिल रहा है। तो आप लोग बताओ इसका जो कॉल क्वालिटी है वो कैसा आ रहा है एंड अभी जो है मैं आउटडोर में हूँ एंड यहाँ पे आप लोग को नॉइज देखने मिल रहा होगा, तो आप लोग बताओ कि इसका कॉल क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने सुन लिया होगा इसका जो कॉल क्वालिटी है कैसा है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ एंड अगर मैं इसको मतलब इसको 10 out of 10 मैं इसको 7 दूंगा इसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो इसका बाकी सब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है लेकिन जो इसका प्लास्टिक क्वालिटी है वो इसका उतना खास नहीं है। इसका और प्लास्टिक क्वालिटी अच्छा हो सकता था एंड इसको और अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन इसका जो कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जो इसका म्यूज़िक क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, बेस भी काफ़ी ठीक ठाक है एंड बाकी सब ओवरऑल अगर आप लोग को पैकेज चाहिए कि आप लोग को ऑलराउंडर आप लोग को चाहिए कि उसमें अच्छी वोकल क्वालिटी आए, अच्छी उसमें आप लोग को जो बेस आए एंड उसमें आप लोग को अच्छा थोड़ा अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने मिले, तो आप लोग इसको आप लोग बाय कर सकते हो। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में ताकि वो भी देख सके कि ये जो ईयरफोन से वो कैसे है। तो मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक के साथ एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग में हैं तो मैं उसे काफ़ी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।